इसमें किसी जजीम इंसान ने पानी डाल दिया, ये मैंने वापस धो के सुखा के रखे हैं। अजीब लोग हैं। हम बस अभी अभी होश में आई है तो हमने डिसाइड किया इनको ऑयलिंग करने का, तो अभी मैं इनको ये वाला अलमिरहा का अनियन ऑयल लगाने वाली हूँ ताकि इनकी हेयर ग्रोथ जो है ना वो ज़रा बेहतर हो जाए और बालों की हेल्थ जो है ना हेयर स्टिमुलेशन अच्छी हो जाए। तो अभी तो मैं लगा रही हूँ, कोई स्टैंड नहीं है मेरे पास, तो लगा के बात। अच्छा भाई, मैंने अपनी ऑयलिंग मैंने भी कर ली है क्योंकि एक ही साथ दो काम हो गए ना, वक्त भी थोड़ा बच गया, मेरा भी दिल था। नहीं भाई मुझे नहीं कटवाने, तो मैंने भाभी के बाल भी काट दिए थे सीजर से। अभी मैं करने वाली हूँ थोड़ी सी, मैं डस्टिंग करूँगी क्योंकि हाँ वाकई में इसने, तुमने पता है तुमने इस अपनी सीजर से, प्लास्टिक सीजर से भाभी के बाल काट दिए थे वाकई में। उस दिन मैं भाभी के साथ गई हूँ तो भाभी की पूरी यहाँ पे नेक पे ना, यहाँ 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 सब जगह उनके कपड़ों पे छोटे छोटे कटे हुए बाल पड़े हुए थे, पता है तुमको? हाँ मैं बता रही हूँ तुम्हें, और फिर अब तुम जा रही हो तो मेरे बाल भी काट दो, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। मेरे बाल को इतने वो थोड़ी हैं कि तुम काट दो वापस उग जाएंगे। चलो भागो, अपने बिल्ली के काटो अपने जाके, चलो जाओ फेरी के। है तुम देख के छुप गई वो। हाँ मजाक के अलावा तो मैं देख के छुप गई है। नहीं मुझे नहीं कटवाना, चलो जाओ भागो। उनको पता है क्या कहते हैं? उनको कहते हैं बेबी हेयर। क्या कहते हैं? बेबी हेयर। नहीं नहीं मेरे बेबी हेयर को मत काटो प्लीज़, आप अपने बेबी हेयर काट लो, ये यहाँ यहाँ ही निकलेगा, ये छोटे छोटे सही है। अच्छा मेरी आदत है शुरू से ही ना कि फ्राइडेज को मैं बहुत ही कोई बेहतरीन किस्म की डस्टिंग करती हूँ, डीप कह लें क्लेंजिंग करके, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं उसके बाद तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा होता, मैं मतलब कुछ भी नहीं करती हूँ उस दिन, उन दिनों में तो मैं सारी जो डीप डस्टिंग या डिटेल सफाई वगैरह ना वो सारी मैं इन दिनों में करके छोड़ देती हूँ फ्राइडे को, ताकि फिर सैटरडे संडे हम लोग फैमिली टाइम इंजॉय कर सकें, अच्छे से अपने टाइम को स्पेंड कर सकें, सुस्ता सकें अच्छे तरीके से मरे पड़े हुए। तो मेरी कोशिश होती है कि आज के दिन जितनी सफाई हो जाए ना मैं वो कर लूँ, तो अभी मैं उसी में लगी हुई हूँ। और ये मेरा वैनिटी एरिया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको मैं हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैनेज रहे, वेल मेंटेन रहे। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें नहीं रखी हुई हैं, किसी दिन मैं इसका टूर भी करवाऊँगी। इसमें बस हम बेसिक परफ्यूम्स हैं अल्लाह, और कुछ मेरा इस तरह स्किन केयर का सामान है, मेरा नहीं हम दोनों का, मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का है, ये हम लोगों के परफ्यूम्स हैं। शो ऑफ करने की बात नहीं है, हाँ मेरे हस्बैंड को शौक़ है तो वो लेके आते हैं, मुझे कुछ ख़ास शौक़ नहीं है। मेरा जो काम है ना वो इन तरह के सैंपल से भी चल जाता है और ये मुझे ज़रा ज़्यादा बेहतर लगते हैं। आज फिर अम्मी के स्कूल से कुछ आया है, ये आए हैं दो गुलाब जामुन, एक मैं खाऊंगी एक फबिया खाएगी, और हम दुआ करेंगे दिली दिल में कि भाईजान हमारी ये वीडियो ना देखे, वरना फिर वो रोने लग जाता है कि हमें गुलाब जामुन मिल गया। कैसा खा रही हो? हाँ मैं खा लूँगी, लेकिन तुम अगर अभी नहीं खाओगी ना तो फिर मैं भाईजान को दे दूँगी। क्या बताओ, जल्दी बताओ, चलो खा लो उठाओ। हाँ ना आज लॉन्ड्री करने लगी थी और अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो है ना ये एक चीज़ फंस गई है, अब से करने की कोशिश की लेकिन ये निकल नहीं सकता इससे, तो अब कुछ और देखते हैं। इतने सारे कपड़े निकल के आ गए, वॉशिंग मशीन में फबिया की अंगूठी फंस गई थी जो बहुत अच्छे से फंस गई थी, अब फाइनली वो रिमूव हो गई है, अब हो सकता है उम्मीद है पानी अच्छे से निकल जाएगा। अब मैं ये काम करूँ, इसी दौरान धूप भी निकल आई है, मुझे लग रहा था कि बारिश हो जाएगी या कुछ ऐसा सिलसिला होगा, लेकिन धूप तो बहुत शदीद निकली है, तो पहले कपड़े डाल दूँ फिर आगे के काम करते हैं। अभी मैं आई हूँ इसको ये देने खाना। अच्छा ये मैंने देखा
अरे अल्लाह, ये इतना प्यारा सा हमारा नोटी लॉरी है और इसको एप्पल दिया ना, इसने नहीं खाया, इसने छोड़ दिया। इसे ये यही बदतमीजी करता है, ये चीज़ें छोड़ देता है, फिर ये ख़राब होती हैं। हार्ड चीज़ें से ज़्यादा खाई नहीं जाती। तो अभी मैं इसको दे रही हूँ ये क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं ये, चीकू। आओ भाई, तुम नाराज़ हो जाते हो ना, तुम्हें खाना नहीं मिलता सही। ये लो, ये खाओगे? आओ आओ। ये होश में आया, अभी आएगा, देखना। मज़े का है? आओ, काट लिया जालिमो। ये लो, ये अच्छा नहीं लगा तुमको? ठीक तो है ये। चलो ये तुम खा लेना। ये आप खा लेंगे सर? अच्छा, मैं खा लेती हूँ। और ये मेरी आपा जो है खाना ले आई है मेरे लिए। क्या लाई हैं? चाय पापा, जो आपने बोला था। चले ठीक है, आप इसको डाइनिंग पे सेट कर दें, मैं आ रही हूँ। ओके, अब मैं इसको लॉक करने वाली हूँ, क्योंकि ये इतना शरारती है, ये बाहर आ जाएगा, ये फिर बिल्ली को छेड़ेगा और बिल्ली इसको छेड़ेगी और फिर मेरी पूरी घर वाले जो है ना वो मुझे छेड़ेंगे कि तुमने इसको खुला क्यों छोड़ा। हालांकि इसको बेचैनी है, ऐसे बाहर आना। ये मेरा दोस्त है ना लॉरी? लॉरी थॉर, थॉर, इसका नाम थॉर है। आ आ, नहीं ले रही मैं, जाओ। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, मुझे अपने दिल से लगाने वाली हो। ऐसे बच्चे मिल जाए तो मिल जाए हर गम। अब तो कुछ शर्म आ गई। अच्छा चलो ठीक है। ये मेरे लिए नाश्ता बना के लाई है और बैठ गई साथ ही कि आप खाएं। अभी मैंने गाना गाया ना, ये शर्मा के नीचे से नहीं गई है। भाई जुम्मे का दिन है, कपड़े धुल चुके हैं, ये इतनी सारी मैंने लॉन्ड्री ख़त्म कर ली है, कंप्लीट कर ली है। और इसी दौरान आसमान पे थोड़े थोड़े से बादल आ चुके हैं। मैं दुआ करूँगी कि ये सारे कपड़े सूख जाएं, उसके बाद ही हो जो होना है, क्योंकि आज बारिश की फोरकास्ट थी और बहुत कोई गंदी शरीद किस्म की बारिश की फोरकास्ट थी, मतलब तूफ़ानी हवाओं के साथ। तो तूफ़ानी हवाएँ तो हमारे लिए बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि उसमें ये सारे कपड़े हमारे सूख सकते हैं, लेकिन अगर बारिश हो गई तो फिर वो कपड़े वापस अंडर द वाटर चले जाएंगे। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी, यू आर टू मच रेनिंग। तो अभी मैं वेट करती हूँ। इसी दौरान मतलब आज मेरी वॉशिंग मशीन ना हमारी हो गई थी ख़राब, इसका जो आउटलेट था स्पिनर का, वो उसमें से पानी प्रॉपर नहीं निकल रहा था। और चूंकि ये मेरी जहेज़ की वॉशिंग मशीन है, मतलब 10 साल पुरानी वॉशिंग मशीन थी और अभी इसका इफ्तिताह हुआ था कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं 2 साल पहले गालिबन कंप्लीट, अभी 2 साल ही हुए होंगे, नहीं 1 साल हुआ है। तो इस दौरान इसमें से पानी निकलना ख़राब हो गया था और मेरा जो दिल था ना वो बेचारा बड़ा बेचैन हो गया था कि यार ये तो बड़ी गलत बात हो गई ना, मैंने अभी वॉशिंग मशीन खोली है और ये काम नहीं कर रहा है। ऐसे तो नहीं होता है। तो लकीली मतलब हर रात के बाद दिन आता है, मुझे पता लग गया, मतलब आपकी बाजी को करार तो आता रहेंगे ना तो ज़िंदगी में। तो उन्होंने मतलब इसको आगे पीछे हर जगह से जब इसका चेकिंग करी तो इसको पता लगा यहाँ पे इसका आउटलेट है। आउटलेट में हमारी ये मोहतरमा इनकी अंगूठी, एक्चुअली में वो इनकी अंगूठी नहीं है, वो मेरी अंगूठी थी, मेरी नानी ने मुझको ला के दी थी जब वो हज पे गई थी। उस टाइम पे हज पे से आना कोई बहुत ही बड़ी बात समझी जाती थी, मतलब समझे 25 साल पहले की बात है ये। तो उन्होंने वो लेकर आई थी, ये कुछ सेट्स थे ज्वेलरी बल्ब्स और इस तरह के, उसमें ये हम लोगों की रिंग्स निकली हुई थी जो मैंने बहुत संभाल के अब तक रखी थी। अब इन खातून के हाथ में आ गई तो अब वो वॉशिंग मशीन के अंदर से मिली है। लकीली वो मिल गई, फिर हमने काफ़ी देर कोशिश की कि ये निकल जाए किसी तरीके से, लेकिन निकली नहीं। लेकिन बस बाजी का जिगाड़ू दिमाग जो है ना वो काम आया और हमने फिर जैसे तैसे करके इसको निकाल लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के नहीं 1.25 घंटे के अंदर मेरे सारे कपड़े वॉश हो गए, वरना मुझे इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगने लगा था। मेरा दिल बड़ा ख़राब होता था कि यार कितना वक्त ज़ाया हो जाता है ज़िंदगी का सिर्फ कपड़े धोने में। अब चूँकि हो चुका है नमाजों का वक्त, जुम्मे का दिन है और ये हमारी मोहतरमा जो है ये कैसी लग रही हो? पूछो। हेलो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ? हेलो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ?
तो जुम्मे का वक्त है, ये तो शावर वगैरह लेके, ऑयलिंग के बाद शावर लेके ये रेडी होके बैठी हुई है। मैंने अलबत्ता ऑयलिंग करी हुई थी और मैंने अभी तक अपने बाल वॉश नहीं किए, तो मैं शावर लूँ, नमाज की तैयारी करूँ। अब हम हो चुके हैं रेडी, नहा धो के नमाज की तैयारी करेंगे। उससे पहले इसकी जो जीव है, परजीवी हमारा, इसकी खुराक का बंदोबस्त करेंगे, कहीं ये ना हो के भूख के मारे ये कहत ज़्यादा हो के हमें खाना शुरू कर दें। एक बात मुझे इससे ज़रूरी पूछनी थी। हम लोग देखते हैं एक बॉयज़ गैंग होता है जो बड़े स्टाइल से बोलता है, लड़कियां जो शैम्पू से नहाती हैं हम उस शैम्पू से अपनी गाड़ी बाइक धोया करते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता है? ऐसा होता है टिकटॉक पे, बिल्कुल ऐसा होता है, मैंने देखा है टिकटॉक पे। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी मखलूक भी है जो वॉशरूम को शैम्पू से धोती है, आपको भी मिलवाती हूँ। हाँ बताओ तुमने क्या किया? पूरे वॉशरूम में शैम्पू की बोतल गिरी थी या पूरा शैम्पू गिराया था तुमने, ये बताओ? शैम्पू की बोतल गिरी थी ना। पूरे शैम्पू बाथरूम में झाग कैसे था शैम्पू का? तुम नहा रहे थे इतने बड़े घर में, मतलब मैं पीछे कपड़े धो रही थी, कपड़े धोने में मुझे स्मेल आ रही थी, तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप ये बता दीजिए। बादल आ गए। हाँ जी, कैटवर्क। फिर से कोई शदीद इस वक्त बारिश शुरू हो गई है। बच्चे बाहर हैं, बच्चे हमारे बच्चे कहाँ हैं भाई? ओह ये तो बहुत ही धार वाली बारिश हो रही है। अगर इसमें ये नज़र आ सके, कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है इसके साथ। अब आ रहा होगा बाहर। दोबारा बहुत किलर किस्म की बारिश शुरू हो गई है। लाइट मेरा अपना कौमी फरीज़ा सर अंजाम दूँ और बाहर निकल के आऊँ। लाइट बहुत बारिश बहुत शदीद हो रही है और बच्चे हमारे बाहर हैं, हमें नहीं पता बच्चे किधर है। अभी मैं जाती हूँ उनको पकड़ के लेके आती हूँ। मोबाइल मैं लेके नहीं जाने वाली, नहीं अभी मेरे पास इतना दिमाग कि मोबाइल संभालती फिर बीच बारिश में। बारिशों में वैसे ही मेरे गिरने का रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, मैं बहुत अच्छी तरह गिरती हूँ हमेशा बारिश में। अच्छा हमको सिखा रही है? है क्या, एक्टिंग इसलिए कर रही हो ये? तुम्हें पता नहीं था 15 मिनट पहले से बारिश हो रही है? अभी अचानक से हो पड़ी, सारे बच्चे अंदर चले गए, तुम ऐ करती भी अब आ रही हो। और ये कपड़े अभी मैंने कपड़े सारे धो के डाले ना, फिर गीले कर रही है, अब यही गीले कपड़े पहनोगी तुम? सूख जाएंगे। और फिर पहनोगी तुम दोबारा सूखे हुए कपड़े? पीछे की सोची में कपड़े चेंज करो, ये इतनी मोटी पैंट पता है कितनी देर में सूखेगी। मैं ब्लॉग को यहाँ पे एंड करने वाली हूँ, क्योंकि थक गई हूँ भाई, इतने सारे काम एक साथ कर लिए थोड़ी सी देर में, अभी और भी बहुत सारे काम करने और अभी सब कुछ दिखा दूँगी तो आगे क्या दिखाऊँगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। आज डिस्क्रिप्शन में मैं इस वीडियो में अपने इंस्टा फेसबुक अकाउंट भी डाल दूँगी, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आगे क्या देखना चाहते हैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, और आगे क्या देखना चाहते हैं कमेंट में भी बता सकते हैं, और आप मुझे डायरेक्टली भी मुझसे बात कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। इतनी अब देखो ये बहुत ही मूसलाधार धुआंधार बारिश शुरू हो गई है, बहुत कम ऐसा होता है यहाँ पे ये बारिश में होती है। अल्लाह मेरा रहम।